कंप्यूटर लैंग्वेज एंड हाउ टू वो वर्क विद आवर कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर के साथ कैसे वर्क करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में राइज होते हैं, आप लोगों के दिमाग में राइज होते हैं। तो आज हम स्पेशली किसको समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जब बात कंप्यूटर लैंग्वेज की आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब तो भाषा होता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर की भाषा हो गई। तो जो कंप्यूटर की भाषा की बात हो रही है, तो सीधा सीधा समझ में आता है कि ये जो पार्टिकुलर एक पॉइंट है वो कंप्यूटर की किसी लैंग्वेज से संबंधित है। अगर लैंग्वेज की बात होती है तो समझ में ये आता है कि कंप्यूटर जिस पे भी बात करेगा, जिस किसी भी पॉइंट पे बात कर रहा है, वो उसकी कोई अपनी अपनी लैंग्वेज होगी ना, कंप्यूटर की अपनी कोई लैंग्वेज होगी जिसको वो इजिली अंडरस्टैंड करता है, जिसपे वो वर्क करता है। जैसे हम लोग किस पे वर्क करते हैं, जो हम लोगों की लैंग्वेज है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खड़ी हिंदी का यूज करते हैं और वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या कहीं कहीं हाँ इंग्लिश का यूज किया जाता है, कहीं फ्रेंच का यूज किया जाता है, या बेसिकली हम इंडिया में ले लें तो तमिल की जो लैंग्वेज है वो तमिल आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर की भी कोई अपनी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। तो सेम इसी प्रोसेस पे हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर लैंग्वेज को सबसे पहले जो हम डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है मशीन, दूसरा है असेंबल, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन कौन से है? मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन में जब हम बात करते हैं, मशीन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो कौन सी और बात होती है? जीरो और वन। जीरो और वन क्या है? जीरो ऑन को शो करता है, ऑन को शो करता है और वन ऑफ को शो करता है। मतलब आप जो पावर सप्लाई कर रहे हो, पावर सप्लाई करने का मतलब जो इंडक्शन दे रहे हो वो ऑन पे दे रहे हैं, ऑफ पे दे रहे हैं। आप कुछ भी राइट करेंगे, जैसे आपने बी लिखा और सी, तो वो अपने अकॉर्डिंग ओ पे ले लेगा या सी पे ले लेगा, और फिर जब आपको वो शो करेंगे तो फिर वो आपके लैंग्वेज में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है ना, बी और सी, ए टू जेड। या जो लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज? ये हमारी लैंग्वेज है, लेकिन बाइनरी किसकी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ऐसे ही कंप्यूटर इस लैंग्वेज को इजीली समझ लेता है। किस लैंग्वेज को? मशीन लैंग्वेज। अब हम आते हैं असेंबल लैंग्वेज। असेंबल लैंग्वेज एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है, एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। अभी हम इसको बताएंगे कि जो किसी एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके शो कराने का काम करता है, मीडिएटर है। इस तरीके से ये असेंबल लैंग्वेज काम करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज कैसे काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज जो हम वर्क करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ब्रेकेट भी करते हैं, उसके बाद टाइटल करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेकेट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारा मैटर होता है उसको हम टाइप करते हैं। तो यहाँ जो ब्रेकेट्स बन रहे हैं और जो पॉइंट यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं, जैसे अप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद ऐसे मैटर और क्रिएट किए जाते हैं। तो लिटिल तो हमारी समझ में आ रहा है, या लिट हमारी समझ में आ रहा है, या गेम हमारी समझ में आ रहा है, या अप्लाई हमारी समझ में। तो जो ये लैंग्वेज है, ये कैसी लैंग्वेज होगी? ये हाई लेवल लैंग्वेज होगी, क्योंकि कंप्यूटर एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई स्टेट पे आके जब हमको समझ रहा है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी। और ऐसे ही अब हम असेंबल को देखते हैं, तो असेंबल लैंग्वेज को यूज करने के लिए हम असेंबलर एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वो क्या करता है? वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे हम यहां से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो क्या करेगा? इसको प्रोसेसिंग करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा और फिर आगे प्रोसेस कर देगा, फिर हमारी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे शो कर देगा। अब ये जो लैंग्वेज को चेंज करने का प्रोसेस होता है, जो लैंग्वेज को चेंज करने का प्रोसेस होता है, जैसे मैंने BDSK लिखा, यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा BDSK लिखा, तो आप तो कहोगे सर हमने BDSK लिखते हैं, हमको डेस्कटॉप पे BDSK दिखता है। बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन रीजन क्या है कि यहाँ पे हम BDSK को अप्लाई करते हैं, वो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और वही फिर से उसको अपनी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और फिर उसको हमारी लैंग्वेज में शो करेगा। ये
मतलब आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो वर्क करता है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया मशीन लैंग्वेज पे, असेंबल लैंग्वेज पे और हाई लेवल लैंग्वेज पे, इन तीनों लैंग्वेज पे बात किया है। यहाँ बाइनरी नंबर पे आप एक छोटी सी छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं बाइनरी डेसिमल नंबर को कैसे आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ 25 है, तो 25 को आप क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके इसका जो बेस है वो 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर की तरह गया 1 गया और वहां हम 1 लिख देंगे। अब यहां 2 × 6 = 12, रिमाइंडर कोई है नहीं है। अब यहां क्या करेंगे, 2 × 3 = 6, रिमाइंडर कोई है नहीं है। फिर यहां करेंगे 2 × 2 = 2 ना, 2 × 2 इस तरीके से, यहां कोई रिमाइंडर नहीं है, यहां एक रिमाइंडर गया आपका, यहां एक रिमाइंडर गया। फिर आप क्या करते हो, 2 × 2। तो अब हम इसको यहां से इस तरीके से राइट करेंगे, 1 1 1 1 0 0 1, ये क्या हो गया, 25 का बाइनरी नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।